केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मामले में और जर्मनी का बयान आया और जर्मनी ने कहा है कि वो हम उम्मीद करते हैं कि भारत में राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता और जो मौलिक अधिकारों का सिद्धांत है उसका पालन होगा। देखिए, भारत के समृद्ध लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर इस तरह की टिप्पणी अगर जानते बूझते हुए की गई, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो कोई न समझता वो अगर टिप्पणी करे तो शायद हो सकता है कि वो अज्ञानता से दी हुई, लेकिन अगर जानते बूझते हुए जिसने टिप्पणी की है या ऐसी टिप्पणी का जिन्होंने समर्थन किया है उन्होंने लोकतंत्र का भी अपमान किया है और देश का भी अपमान किया है। लेकिन इस बयान को तो कांग्रेस के नेता हाथों हाथ ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो धन्यवाद दे रहे हैं जर्मनी को कि जिस तरह से राहुल गांधी के यहाँ उत्पीड़न किया जा रहा है, लोकतंत्र के साथ समझौता किया जा रहा है, धन्यवाद जर्मनी। वो भी उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के लोगों ने जाकर के, जिस पार्टी के नेताओं ने जाकर के देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करके नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करने के लिए सहायता मांगी थी। ऐसे तथाकथित लोगों का चरित्र जो है आज देश के सामने एक बार फिर उद्घाटित हुआ है। लेकिन सर, राहुल गांधी के पास यहाँ सारे कानूनी विकल्प हैं, उन कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किए बिना ऐसा लगता है कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और ऐसे में उन्हीं की पार्टी के नेता जर्मनी या दूसरी कंट्रीज को ऐसा लग रहा है कि इन्वाइट कर रहे हैं कि भारत के आंतरिक मामलों में अब दखल दें। वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं या एक्टिंग कार्ड खेल रहे हैं ये तो वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन उनके अब ये इस तरह के कार्ड जो हैं वो चलने वाले नहीं हैं। देखिए, भारत बदल गया है, भारत के लोगों के एस्पिरेशंस बदल गई हैं, भारत के लोगों का विश्वास जो है उसका स्तर बहुत बदल गया है और अब इस 75 साल के लोकतांत्रिक वय के भारत में लोग इस तरह के छिछोरी नौटंकी से प्रभावित होकर के उनके साथ खड़े हो जाएंगे एक बार, उनका ये भ्रम भी इस बार निश्चित रूप से टूटने वाला है। लेकिन सर, कैसे लगते हैं कांग्रेस के नेता समझ नहीं रहे हैं? पहले भी राहुल गांधी ने जाके बयान दिया, यूएस हो यूके हो, अब जर्मनी का बयान है तो उसका वो लोग स्वागत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये वही लोग हैं, हमको इस चरित्र को समझना पड़ेगा, ये वही लोग हैं जो देश की हर उपलब्धि पे संशय पैदा करते हैं, पुलवामा पे के हमले पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उसके बाद की सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, देश के सेनाओं के शौर्य को जो है वो अपमानित करने और मनोबल तोड़ने के लिए टिप्पणियां करते हैं, जब देश वैक्सीन बनाता है तो उसको बीजेपी का वैक्सीन कह करके उसके ऊपर संशय पैदा करते हैं, जब देश कोई सफलता हासिल करता है किसी भी क्षेत्र में उसको चुनौती देकर के उस पर संशय पैदा करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ पिछले दरवाजे से देश के विरोध में काम करने वाले ऐसे शक्तियों के साथ में गुपचुप चर्चाएं करते हैं। अब चरित्र उनका सामने आ गया है, मेरा मानना है कि अब उनके पास में इन सब विषयों को लेकर के समय शेष नहीं रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कम से संजीत के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9।